सदी ये हल्ला है और की गई। तो जब से ये मकान निर्माण का काम चालू हुआ था तब से यहाँ पशु पक्षी काफी तादाद में आते हैं, कबूतर अभी भी आते हैं। मेरी बच्ची ने बताया कि यहाँ पर कुछ पक्षियों ने अंडे दे रखे हैं, तो उसने बताया, मैं बता रहा हूँ, एक होला पक्षी का घोंसला। ये सामने चिड़िया बैठी है, वो नीचे जहाँ शरीर बनाने वाला क्यारी बनाने वाला है उसमें भीतर बैठी है, उसका घोंसला उधर प्लाव जो पड़ा है वहाँ पे प्लाव में, और चिड़िया वहीं है नीचे प्लांटर में। तो होला ने जो घोंसला बनाया है ये बना है कारण में पशु पक्षी अधिकांश का जहाँ प्रेम होता है, निडरता है, भरोसा है, वहाँ पर रहते हैं। गिलहरी यहाँ कबूतर मोर मौनी नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, मस्ती करते रहते हैं, उनको टेंशन नहीं। तो बचपन से ही मैं कुत्ते मेरे साथ रहते थे, कुत्ते मुझे पढ़ने जाता था या कुछ स्टेशन छोड़ने जाते, फिर मैं जहाँ भी जाता हूँ कुत्ते मेरे हाथ घूमते रहते हैं, क्योंकि कुत्ते अभी एक कुत्ता मेरे बच्चे ने गए बस घर में एक छोटा सा बिल्ला था, कहीं से आ गया था, वो काफ़ी वो असहाय सा था, उसकी माँ वहाँ नहीं थी, मेरे बच्चे ने उसको रोटी देना चालू किया, वो घर चला गया। आज वो हमारे घर के सारे सामान की रखवाली करने में हम सोते हैं आराम से, और रात भर चौकसी करता है, दिन में कूलर में सोता है। ये देखिए होला गई। परसों मेरे भाई ने यहाँ भैंस बांधी थी पाऊ से, कुछ उधर काम चल रहा था तो भैंस को ट्रांसफ़र कर दिया था, तो उसने पिलो फेंक दिया था, यह हल है मिट्टी पलट। तो फिर मेरी बेटी राधिका ने देखा कि इसमें से कुछ अंडे गिर गए, तो चार अंडे थे, दो अंडे फूट गए, तो फिर हमने रख इसको सीधा किया पुलाव को, और मेरे भाइयों को और मेरे भाने नीरज को बुलाकर, और फिर वो रखे, तो उसमें से चिड़िया को ना जाने क्या समझ में आया, तो दो जो छोटे अंडे थे उनको एक करके वो बाहर फेंक के आई, और दो अंडे अभी इसमें रखे हैं, शायद अंधेरी की वजह से आपको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, लेकिन पुलाव में दिए इसमें। तो किसी भी पशु पक्षी को हानि पहुँचाना मेरा स्वभाव नहीं है, यहाँ आवारा पशु बैठे रहते हमारे बाड़ी के आसपास बचपन से ही, वहाँ कई बार गुस्सा खा जाते हैं, कई दो बार कई बार हमारे पशुओं को मारते हैं, घुस जाते हैं यहाँ पर। और बचपन से पशु पक्षी पेड़ पौधों का मेरे दादा दादी का भी काफ़ी लगाव था, ये दूध तला एक वर्षा सिमरोल के सामने ही हमारा बाड़ा है, सिंगाई महाराज मंदिर के। और बचपन में एक बार इसी बाड़े में मुझे, मैं तो बहुत समझा था लेकिन सफ़ेद वस्त्र में एकदम सफ़ेद वस्त्र में शुक्र धवल, तो मैं डर गया था, मैं समझा था भूत था, वो बाद में पता चला कि वो सिंगा जी महाराज थे। तो बिल्ली एक थी जो 5 साल से मेरे मतलब छाती पर ही, रात में कहीं से आती छाती पर ही बैठती, उसको दूध देना पड़ता है, जैसे छाछ करती है मम्मी तो वो भिड़ जाती बुरी तरह चिल्लाने लगती, तो छाछ करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें से उसको देते मक्खन वक्खन, और दूध निकालने जाते तो भैंस के पास बैठती, और जैसे निकाल के मम्मी चलती तो वो चिल्लाने लगती, उसको दूध नहीं दो तब तक चुप नहीं होती। वो बिल्ली भी कहीं से आई थी, कोई उसकी माँ मर गई थी तो हमारे घर में छोटा सा बच्चे के रूप में आई थी, और फिर वो हमारा प्यार और हमारा भरोसा करके वो इतनी रम गई कि 5-6 साल तो वो मेरे पेट पे ही सोती थी, रात में कहीं से जाती। ऐसे कई बिल्लियों को हमने पाल के, फिर अभी एक तोता मिला था हमारे घर के बच्चों को, मेरे भाई ने देखा कि उसे कौवे मार रहे थे तो छोड़ा पाया, और उसको पिंजरे में रखा था काफ़ी दिन, उसको थोड़ा घायल हो गया था कौवे की वजह से, तो उसको थोड़ा आराम लगा, तब तक आम वगैरह कुछ खिलाए और फिर उसको आज़ाद कर दिया, फिर एक रोज आ गया, फिर आज़ाद कर दिया, अभी वो काफ़ी अच्छा उड़ने लगता है, तो हमने उसको पिंजरे में रखना ही बंद कर दिया। यहाँ एक बगुला उलझ गया था, वो खाते खाते कुछ कीट पतंग तो पानी में, उसने एक कपड़े में चोंच उलझा ली थी, उसको मैंने आज़ाद किया था। ऐसे टिटी उड़ी हमारे आसपास हमें हर साल देती है अंडे हैं,
कुछ ना कुछ जीव जंतु देते ही रहते, चाहे सांप के भी अंडे हो तो मैं नहीं फोड़ता, बिच्छू भी हो तो मेरा भाई तो बिच्छू वो भी बाहर फेंक के आता है, सांप के छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं उनको छोटा है, मेरा बबलू जो भाई है वो बाहर ही फेंक के आता है, कभी मारता नहीं, तो बिच्छू जो सबको तो मार देता हूँ फिर तो। ये दूध अगला परिसर में मेरी बात था बचपन से, मैं इसमें कभी सोच नहीं करता, 20 साल हो गए और इसके परिसर से कि परिधि से 100-200 मीटर दूर ही जाकर करता हूँ कभी, और पशु पक्षियों पेड़ पौधों पर्यावरण ही दूतल प्रसन्न घुड़े उठाने में जो समिति मेरे स्टूडेंट ने बनाई थी गांव वालों के 2.5 लाख के चंदे से, वहाँ पेड़ पौधे ही लगे हैं, घुड़े उठाए थे, और एक गायत्री परिसर के सामने वो तो 20 साल पहले मैंने विष्णु सरपंच और चतुर्मंत्री बुलाए वाले से बोला था, 20 साल पहले उन्होंने घुड़े उठाए थे, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है धर्मशाला टाइप, ताकि टेंट बर्तन का खर्चा ना हो। तो ऐसे शमशान ने पहले किया था 5 साल पहले, वो पंचायत घुसी फिर उसने बर्बाद करवा दिए पौधे वगैरह, तो हमने अब वहाँ फिर सजा ली और गेट निर्माण वगैरह 85,000 का चंदा हुआ है, हम मैंने तो 2,000 का चंदा बोला था, लेकिन मेरा भरोसा इतना किया कि हमारे ईश्वर भाई को धीरे धीरे 50,000 से ऊपर जाएगा, 1 लाख भी हो सकता है चंदा। कितने अनगिनत उदाहरण, एक गिलहरी में घास काटता था तो मैंने वो जो दास्ताना मोजा पहन रखा था वो निकाल दिया, पसीना आ गया, पानी वानी जलपान करने के लिए थोड़ी देर बैठा तो वो उसका घोंसला बनाने के लिए मेरा मोजा ले गई, मैंने देखा मोजा कहाँ गायब हो गया, इतनी देर में तो मैं मोजा उठाने के लिए इधर उधर ढूंढने लगा तो पता चला गिलहरी ले गई, गिलहरी के मुँह में था, मैं छुड़ा के लाया तो वापस आ गई, मेरे आस पास घूमी, मैंने अपने पॉकेट में टेंट के रखा तो उसने खूब कोशिश की, मैंने दबा दिया पेंट में तो उसने खूब कोशिश की, आखिरकार नहीं निकाल पाई तो मेरे पैर में काट के भग गई। मतलब मेरे से कई बार चूहे ज़बरदस्ती करते हैं, पपीता खाते हैं या कुछ फल फ्रूट खाते हैं, तो कुछ पशु पक्षी ज़बरदस्ती करते हैं, और सांप जहाँ मैं कुएं पर सिंचाई कार्य करता था पहले 15 साल पहले, वो सांप वगैरह हमारे साथ ही रहते थे, वहीं मैं मेरे भाई से बोला कभी मारना मत, जहरीला जंतु भी मेरे पास रहते थे, मैंने कभी उनको सताया नहीं, और वो मेरे पास ही रहते थे लेकिन वो मेरे को नहीं सताते थे।